अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद की एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन दस्तावेज और अगले 5 वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार मंथन किया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान मई में नई सरकार के गठन के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया, ताकि इसके त्वरित कार्यान्वयन की दिशा में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रोडमैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है और इसमें सभी मंत्रालय और राज्य सरकार, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों, नागरिक समाज, वैज्ञानिकों के साथ व्यापक परामर्श को शामिल करते हुए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी